बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे निरीक्षण के प्रकार। तो मैंने आपको ग्राफ बना के भेजा था, एक होता है संभावना मूलक प्रतिचयन विधि जिसमें सभी इकाइयों को चुनने के समान अवसर होते हैं, और एक होता है असंभावना मूलक विच आई हैव ऑलरेडी मेंशन इन द ग्राफ। तो आज हम देखेंगे संभावना मूलक प्रतिचयन विधि में कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले होती है देव निरीक्षण विधि, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रैंडम सैम्पलिंग। ये वर्ड मेरे ख्याल से सुना ही होगा बच्चों ने, रैंडम सैम्पलिंग मतलब सभी को चुने जाने का इक्वल अपॉर्चुनिटी, है ना। और इस विधि को सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि इसमें किसी भी तरीके का पक्षपात नहीं होता, ठीक है। देव निदर्शन, अगर मैं एक लाइन में आपसे पूछूं बच्चों देव निदर्शन विधि किसको बोलते हैं, तो आप ये बोलोगे मैम जिसमें सभी इकाइयों को चुनने के समान अवसर पाए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, देव निदर्शन विधि बोलते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपको समझने का। नाउ द क्वेश्चन इज कैसे आप उसको अप्लाई करोगे। सपोज आपने आपको मैं बोलूं आप जाइए और रिसर्च करिए, तो आप उसको उस मेथड को कैसे यूज करोगे। तो ये टूल्स है कुछ, ठीक है। पहला तरीका क्या है, ब्लॉटरिंग पद्धति। दूसरा मेथड क्या है, कार्ड पद्धति। तीसरा क्या है, क्रमांक सूची। और एक है टिपेट प्रणाली, ठीक है। आप इनमें से कोई सारे मेथड अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले हम कौन सा समझते हैं, लॉटरी सिस्टम, ठीक है। आप गांव में गए और आपने जैसा बोध आपके गाँव में कितने लोग थे, फॉर एग्जाम्पल 1000 लोग थे, तो आप इनमें से 100 लोग कैसे जानोगे। आपने कहा मैडम मैंने रैंडम सैम्पलिंग के लॉटरी मेथड से इन लोगों का चयन किया है। ध्यान से सुनो, देव निदर्शन पद्धति का प्रयोग किया। और मैं बोलूंगी बेटा देव निदर्शन में कौन से का यूज करा, तो आप इन चारों से जो भी आप यूज करोगे वो आप बोल सकते हो। आपने कहा कि मैंने लॉटरी सिस्टम का किया, ठीक है, समझ आया। रैंडम सैम्पलिंग का यूज किया 100 लोगों को छांटने के लिए, और 100 लोग कैसे छांटे, लॉटरी सिस्टम से, ठीक है। अब लॉटरी सिस्टम में क्या करना है, ध्यान से सुनो। सपोज आपने 1000 लोग, गांव में कितने लोग हैं, 1000 लोग हैं, तो आपने 1000 लोगों की पर्ची बना दी। क्या बना दी, उन लोगों के सबके नाम लिख के एक स्लिप बनाई और एक दूसरे बॉक्स में आपने एक बाउल में उन सबको फोल्ड कर दिया। फोल्ड इस तरीके से करना है कि किसी का भी नाम आपको दिखाई ना दे, किसी भी तरीके का पक्षपात ना हो, ठीक है। उन बाउल में आपने अच्छे से मिक्स कर लिया सबको, 1000 पेपर को, उनमें से फिर एक एक करके आप सारी पर्चियों को लगभग कितनी पर्ची बनानी है आपको, जितना भी आपको सैंपल चाहिए, जरूरी नहीं है 100 हो। सपोज अगर आपको 80 चाहिए तो आप कितनी पर्ची उठाओगे, 80। तो उन 80 में जिस जिसके नाम आएंगे वो आपका फाइनल रिसर्च के लिए सैंपल होगा। तो आप ये बताओ क्या इस मेथड में किसी तरीके का पक्षपात हुआ, नहीं हुआ। यानी कि सभी इकाइयों को चुने जाने की संभावनाएं बराबर की रही। लॉटरी सिस्टम समझ आया, जिसको हम जनरल लाइफ में भी यूज करते हैं। जब हमने देखा कि कई बार इलेक्शन हो गए सबके इक्वल इक्वल वोट पड़ गए, तो लास्ट में क्या होता है, लॉटरी सिस्टम होता है। यानी कि उस नाम की पर्चा मिलती है और जिसका नाम आता है उसको हो जाता है, ठीक है। अब लॉटरी सिस्टम अगर समझ आ गया तो उसी का थोड़ा सा परिष्कृत रूप है कार्ड पद्धति। कार्ड पद्धति में क्या होता है, कुछ नहीं, बस पर्चियों की जगह हम किसका यूज करते हैं, हम कार्ड का यूज करते हैं। पर्चियां जो हमने पेपर पे पर्ची बनाई थी उसकी जगह हम थोड़ा सा कार्ड का यूज कर लेते हैं। सिर्फ अट्रैक्टिव होती है, थोड़ी सी ब्यूटीफुल कलर्स होते हैं, ये सब होता है। तो बस जो आपके उत्तर आता है उनको थोड़ा अच्छा सा लगे, वो सब चीजों का यूज करने के लिए इसका प्रयोग किया गया। तो आप ये लिख सकते हो कि लॉटरी पद्धति का परिष्कृत रूप ही कार्ड पद्धति है। इसमें पर्चों की जगह हम किसका प्रयोग करते हैं, हम कार्ड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है क्रमांक सूची। ओके, देखो नाम से ही पता चल रहा है अंक, और अंक किसे है, क्रम में। अंक किसे है, क्रम में। ओके, देखो सपोज आपके नंबर कैसे डले हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, ये आपकी क्या है, ये 1000 लोगों तक आपकी इस तरीके से काउंटिंग हो, 1000 तक की उत्तरदाता की क्या है, सूची है। सबसे पहले हम क्या लेंगे, क्रमांक सूची में उत्तरदाता की सूची को ले लेते हैं। जब उत्तरदाता की सूची को हमने ऐसे ऑर्डर में रखा, उसके बाद आप कोई भी एक नंबर सेलेक्ट करो, कोई भी। सपोज आपने 2 ले लिया, ओके, तो आप 2 के ही गैप में चलोगे। आप किसका इंटरवल लोगे, 2 का। सपोज 2, उसके बाद तो 4 में आ जाओगे, देन 6, देन 8, देन 10, ठीक है। सपोज अगर आप 5 लेते हो तो क्या चलेगा आपका, फिर 5, देन 10, देन 15, देन 20। तो गैप आपका कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते 2 के बाद आपने 3 ले लिया, फिर 5 ले लिया, फिर 6 ले लिया, ऐसे नहीं होगा। जो गैप रहेगा इक्वल रहेगा, ठीक है।
सूची प्रणाली। नेक्स्ट आता है प्रोफेसर टिकट प्रणाली। आज आप इतना करो ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा है तो इसको मैं कल समझाऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है तो अपलोड करने में दिक्कत होती है। यदि